नमस्कार, उत्तर प्रदेश के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि मैनपुरी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भानुगुट की महापंचायत एसडीएम को बंधक बनाया गया। किसानों ने एसडीएम को जबरन 1.5 घंटे तक बैठाया। आश्वासन मिलने के बाद किसान मान गए, किसानों का अड़ियल रुख देखकर एसडीएम सहम गए। तो बड़ी और अहम जानकारी मैनपुरी से आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर भानुगुट की महापंचायत हो रही थी। इस दौरान एसडीएम वहां पर पहुंचे तो एसडीएम को ही बंधक बना लिया गया। किसानों ने एसडीएम को जबरन 1.5 घंटे तक बैठाया और आश्वासन मिलने के बाद फिर किसान मान गए। भानुगुट की महापंचायत जिसमें एसडीएम को बंधक बनाया गया, एसडीएम को किसानों ने जबरन 1.5 घंटे तक बैठाया और आश्वासन मिलने के बाद फिर किसान माने। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किसान प्रदर्शन कर रहे थे और एसडीएम वहां पर पहुंचे। इस दौरान 1.5 घंटे तक एसडीएम को जबरन बैठाया गया और जब किसानों को आश्वासन मिला उसके बाद फिर किसान माने हैं। तो मैनपुरी की तस्वीरें हैं, तो कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और बताते चले कि भानुगुट की महापंचायत हो रही थी जिसमें एसडीएम को बंधक बनाया गया है, जबरन 1.5 घंटे तक एसडीएम को बैठाए रहा गया, जिसके बाद जब प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिला उसके बाद फिर एसडीएम को छोड़ा गया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस तरह से किसान प्रदर्शन कर रहे थे और इसी बीच एसडीएम वहां पर पहुंचे कि किसी तरह से इस प्रदर्शन को खत्म किया जाए, किसानों से बात की जाए, लेकिन किसानों ने उल्टा एसडीएम को ही बंधक बना लिया और लगभग 1.5 घंटे तक ये पूरा प्राक्रम चलता रहा। एसडीएम को बंधक बनाकर बिठाए रहा गया, जिसके बाद जब प्रशासन की ओर से आश्वासन मिला किसानों को तब एसडीएम को छोड़ा गया। वही इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नफीज अली हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी नफीज, महापंचायत के दौरान एसडीएम को ही किसानों ने बंधक बना लिया और क्या अपडेट है आपके पास इस मामले में? जी आपको बता दें, ये किसान जो है महापंचायत को लेकर बैठे हुए थे, इसी दौरान एसडीएम के पहुंचने के बाद किसान नेता जो बड़क है उनको जन समस्याओं को लेकर के एसडीएम को वहां बैठा लिया गया। काफी देर तक, लगभग 1.5 घंटे तक एसडीएम को बंधक बना के रखा गया और जो है जब एसडीएम ने आश्वासन दिया कि हाँ आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा, जो भी जन समस्या है उनको दूर किया जाएगा, उसके बाद ही एसडीएम को वहां से जाने दिया गया। जी ठीक है। नफीज, हमें ये बताइए कि किसानों की मांगे क्या क्या है, किस वजह से वो प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं? जी आपको बिल्कुल बता दें कि किसानों की जन समस्या, सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि किसानों के जो फसल है, फसल में छुट्टा जानवर को लेकर के किसान काफी समय से जो है आंदोलन करते चले आ रहे हैं, जिस पर प्रशासन अभी तक कोई भी गंभीर नहीं दिखाई दे रहा था, जिसके चलते किसान नेताओं ने जो है एसडीएम को बंधक बनाया और काफी देर तक जो है बंधक बनाए रखा। एसडीएम को बंधक बनाए रखा, 1.5 घंटे तक बिठाए रखा, फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि आश्वासन मिलने के बाद एसडीएम को छोड़ा गया है। प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है, क्या मांगे पूरी की जा रही हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें प्रशासन की तरफ से जो भी किसानों की समस्याएं थी उसको मान लिया गया है, उसके बाद ही जो है एसडीएम को वहां से जाने दिया गया है। ये जो है अपने आप में कई एक सवाल पैदा किए जा रहे हैं, तो एसडीएम जो एक उच्च लेवल का अधिकारी होता है उसको किस तरीके से किसानों ने बंधक बना के रखा है और लगभग जो है 1.5 घंटे तक बंधक बना के रखा, जब किसानों की सारी मांगे पूरी कर ली गई है उसके बाद ही जो है किसानों ने जाने दिया है। जी जी नफीज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि देवरिया से बड़ी खबर सामने आ रही है,
जहां सड़क किनारे तीन लोगों को रौंदने की खबर आ रही है। तीन युवकों की इस दौरान मौत हो गई है। आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया है। देवरिया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अनियंत्रित ट्रक ने तीन लोगों को रौंद दिया है। इस घटना में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। आक्रोशित लोगों ने इस पूरे मामले में जमकर हंगामा किया है। तो देवरिया से बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर एक अनियंत्रित ट्रक ने तीन लोगों को टक्कर मारी। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है। अब इस पूरे मामले में लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। सड़क किनारे खड़े तीन लोगों को ट्रक ने रौंद दिया है। जिले मदनपुर थाना के बरवा चौक का ये पूरा मामला है, जहां पर अनियंत्रित ट्रक ने सड़क किनारे खड़े तीन लोगों को रौंद दिया। मौके पर जेसीबी मशीन मंगवाई गई। एसपी समेत कई थानों की फोर्स घटनास्थल पर पहुंची, जहां तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मौके पर जेसीबी पहुंची है और कई थानों की पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची है। अनियंत्रित ट्रक ने तीन लोगों को रौंद दिया है, जिससे तीनों की दर्दनाक मौत हो गई है। ये मदनपुर थाना क्षेत्र में बराव गांव के निकट ये दुर्घटना हुई है, जहां एक ट्रक अनियंत्रित होकर रोड से नीचे आकर और एक आगे दीवार से ट्रक टकरा कर रुक गया। इसी दुर्घटना में जो सड़क के किनारे तीन लोग खड़े थे, उनकी इस दुर्घटना में मृत्यु हुई है और जो ट्रक है उसको सीज कर दिया गया है। मुकदमा मदनपुर थाने पर पंजीकृत किया गया है और जो ड्राइवर है उसे भी हिरासत में ले लिया गया है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विजय तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विजय, अनियंत्रित ट्रक ने तीन लोगों को रौंदा है, क्या कुछ अपडेट और जानकारी है आपके पास इस मामले में? जी, सुबह के समय लोग टहलने के लिए निकले थे रोड पे, जिस समय अनियंत्रित ट्रक ने तीन लोगों को रोक दिया, जिसमें तीनों की दर्दनाक मौत हो गई और एक मकान भी उसमें डैमेज हो गई है। जिसकी सूचना पाते ही एसपी कई थानों के फोर्स के साथ मौके पर पहुंच करके और ट्रक में गिट्टी लगी थी जिसको खाली करा जेसीबी से खाली कराया और मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया और ट्रक को सील कर दिया गया और चालक को हिरासत में ले लिया गया है। जी विजय, इसके अलावा जैसे कि आपने बताया कि सुबह अनियंत्रित ट्रक जब सुबह का समय था, लोग टहलने के लिए निकले थे, इस वक्त ये हादसा हुआ है, अब आगे क्या कुछ देखने को मिल रहा है? परिजनों में किस तरह का आक्रोश देखने को मिल रहा है? परिजन रो पिलक रहे हैं और क्षेत्र के लोग आक्रोशित हैं, जो कि ट्रक पे धावा बोलने वाले थे तब तक प्रशासन मौजूद है वहां पर, जैसे कि क्षेत्र के जनता को समझा बुझाकर इसको रोका गया और ट्रक को सीज कर दिया गया, जो कि यह ट्रक बड़ा वाला ट्रेलर था जिससे कि इतना बड़ा हादसा हुआ है। ठीक है विजय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाराबंकी शहर में एसडीएम नवाबगंज विजय कुमार त्रिवेदी द्वारा नामित नवाब तहसीलदार केपी सिंह के नेतृत्व में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद रात में प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री करने वाले निबलेट तेहराहे पर स्थित न्यू कमला मेडिकल स्टोर पर पुलिस और खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन की टीम ने रात को खाद्य सुरक्षा औषधि निरीक्षण सीमा सिंह ने मेडिकल स्टोर का वीडियोग्राफी के साथ गवाहों की मौजूदगी में सील किया, जिसमें 5,58,000 रुपयों की औषधियां सील की गई हैं। साथ ही चार औषधि के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। गवाहों के अनुसार इस मेडिकल स्टोर पर रात में प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री खुलेआम होती थी, जिससे युवाओं पर गलत प्रभाव पड़ता था। तो मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित दवाएं बेची जाती थी। इसमें एसडीएम नवाबगंज के मौके मिलने के क्रम में हम लोग आए थे और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम भी साथ में थी। ऐसी शिकायतें मिली थी कि कुछ दुकानों से कोडीन बेस्ड जो है सिरप बेचा जाता है, जो कि एक तरह से प्रतिबंधित है और बिना प्रिस्क्रिप्शन के
नहीं दिया था क्या, उसका नशे के रूप में भी काफ़ी ज़्यादा यूज किया था अगर ओवरडोज हो तो ऐसी शिकायत मिली थी कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के और किसी को भी नशे के पर्पज से जिसका सेल किया था बेसिकली रात में किया जाता है। तो इसी की जाँच के लिए हम लोग आए थे, दो तीन दुकानों की आज विधिवत जाँच की गई है। उधर बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें कि किसानों ने समाधान दिवस पर आत्मदाह की धमकी दी है। आत्मदाह की चेतावनी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फसलों के बर्बाद होने से किसान परेशान है। आपको बता दें कि आवारा पशु लगातार किसानों की फसलें बर्बाद कर रहे हैं, जिसको लेकर किसानों ने ऑनलाइन शिकायत भी दी थी। ग्राम सचिव और BDO ने फर्जी रिपोर्ट लगाई है, फर्जी रिपोर्ट लगाकर शिकायत का निस्तारण कर दिया गया। गांव बरौली वसुदेवपुर का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर आपको बता दें कि किसानों में समाधान दिवस में आत्मदाह की धमकी दी है। आत्मदाह की चेतावनी का वीडियो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर आवारा पशुओं को लेकर किसानों ने ऑनलाइन शिकायत दी थी और जिसकी ग्राम सचिव और BDO ने फर्जी रिपोर्ट लगा दी। मैं नरेंद्र सिंह तोमर उर्फ घुंगरू तोमर निवासी बरौली वासुदेवपुर तहसील स्याना जिला बुलंदशहर से। यहाँ पर आवारा पशुओं का इतना बड़ा तांडव है कि कई बार शिकायत करने पर भी हमारे ग्राम सचिव, ग्राम प्रधान और BDO स्याना इन्होंने कोई आज तक कार्रवाई नहीं करी है। और CM हेल्पलाइन पर भी हमने कई बार शिकायत करी है तो वहाँ पर झूठी रिपोर्ट लगा चुके हैं कि यहाँ पर हमने गाँव में कोई भी आवारा पशु नहीं है और सब में हमने अपने मतलब यहाँ पर देखा है और जो कि निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। इस वजह से मैं परेशान होकर मैंने हर जगह शिकायत करी, लेकिन आज मैं परेशान होकर दिनांक 21 तारीख में दिन शनिवार संपूर्ण समाधान दिवस जो कि जिलाधिकारी महोदय जी का है उसमें आत्मदाह करूंगा, जिसकी जिम्मेदारी ग्राम सचिव कपिल कुमार जी, ग्राम प्रधान हेमराज सिंह लोधी और BDO स्याना की होगी। जय जवान जय किसान। उधर हमीरपुर जिले के 200 साल पुराने पूरे होने पर महिलाओं ने बाइक रैली निकाली। आपको बता दें कि महिलाओं ने बाइक रैली के जरिए यातायात नियमों का पालन करने की लोगों से अपील की। ये रैली मुख्यालय की सड़कों से निकाली गई। इस दौरान इस रैली में जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। रुक करते हैं बड़ी खबर का, जो कि गाजियाबाद से सामने आ रही है। आपको बता दें कि DMRC पर नगर निगम का करोड़ों रुपए बकाया है। नगर निगम ने भेजा 54 करोड़ का नोटिस। सर्विस चार्ज न जमा करने पर ये नोटिस भेजा गया है। 4 साल से DMRC ने नहीं दिया था सर्विस चार्ज, जिसको लेकर नोटिस भेजा गया है। 1 साल पहले भी दिया गया था 42 करोड़ का नोटिस। नगर निगम के चीफ टैक्स अफसर ने यह नोटिस जारी किया है। तो आपको बता दें कि DMRC को नोटिस जारी किया गया है, नगर निगम की तरफ से सर्विस टैक्स न जमा करने पर यह नोटिस जारी किया गया है। इससे पहले भी पिछले साल नोटिस जारी किया गया था, जिसमें टैक्स जमा करने की बात कही गई थी और लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जिला क्षेत्र पंचायत उपचुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। उपचुनाव के लिए 24 जनवरी को नामांकन होंगे। उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी जा चुकी है। खाली पदों के लिए 24 जनवरी को नामांकन किए जाएंगे। नामांकन सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक होगा। 27 जनवरी को नाम वापस लेने का आखिरी मौका है। चुनाव को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नामांकन भरने की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसके साथ साथ 27 जनवरी वो तारीख होगी जिस दिन तक नामांकन वापस लिया जा सकता है।
वहीं अगली खबर बरेली से है, जहां सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने आईटीबीपी सेना के कैंपस पहुंचकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सांसद ने आईटीबीपी के जवानों को हिंदी भाषा को लेकर प्रेरित किया और स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर फाइलेरिया के खिलाफ अभियान का फीता काटकर उद्घाटन किया। सांसद ने बच्चों को दवा खिलाकर अभियान की शुरुआत की, साथ ही उन्होंने आईटीबीपी बुखारा कैंपस में फाइलेरिया के खिलाफ जंग में सहयोग के लिए लोगों को शपथ दिलाई। इस दौरान सांसद ने कहा कि फाइलेरिया एक गंभीर रोग है, दवा सेवन से ही इससे बचा जा सकता है। कभी कभी फाइलेरिया के परजीवी शरीर में होने के बाद भी इसके लक्षण सामने आने में सालों लग जाते हैं। इससे बचाव कैसे किया जाए, ये भी सरकार की एक योजना है। तो इसमें फाइलेरिया जिस तरीके से देखा होगा कि लोगों के हाथ पर मोटे हो जाते, हाथ ही पाव हो जाते हैं, फिर लोग कहते हैं कि इसका कोई इलाज ही नहीं, तो इसको फाइलेरिया बोलते हैं। कभी कभी पानी आ जाता है, लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए 5 वर्ष से ही बच्चे की शुरुआत में ये गोलियाँ दी जा रही हैं। अलग अलग स्टेप हैं, 5 साल की उम्र है तो अलग है, 18 साल की है तो अलग है, उससे ऊपर है तो अलग है। तो मैं चिकित्सा विभाग को बधाई भी देना चाहता हूँ, डॉक्टर सौरभ जी को विशेष तौर से बधाई देना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब आईटीबीपी के कमांडेंट साहब को और यहाँ सभी को बधाई देना चाहता हूँ। मैनपुरी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग में 2 भैंस और 1 बच्चे की मौत हो गई है। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। देर रात 12 बजे यह हादसा हुआ। करल क्षेत्र के कंचनपुर गांव की ये पूरी घटना है, जहां पर आग लगने की घटना सामने आई है। देर रात 12 बजे ये पूरा हादसा हुआ था। करहल थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव की ये पूरी घटना है, जिसमें 1 बच्चे की मौत की खबर सामने आ रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आग लगी है और इस दौरान 1 बच्चे की मौत की पुष्टि भी हुई है। देर रात आग लगने की खबर सामने आई। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि बाराबंकी से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से इलाके में धड़ल्ले से झोलाछाप डॉक्टरों के क्लिनिक चल रहे हैं, जहां आए दिन गरीब मरीजों का शोषण होता दिख रहा है। एक ऐसा ही मामला बदोसराय क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक झोलाछाप डॉक्टर ने पैसे के लालच में एक दलित व्यक्ति के हाथ की उंगलियां ही काट डाली। आपको बता दें कि हजरतपुर निवासी पीड़ित युवक चंदर गौतम को 8 महीने पहले हाथ की उंगली और अंगूठे में मामूली इन्फेक्शन हो गया था, जिसका वो लखनऊ में मेडिकल पीड़ित ने बताया कि अभी हुआ था, लेकिन 5 महीने पहले क्लिनिक चलाने वाले झोलाछाप डॉक्टर लवकुश चौहान ने पीड़ित को अपने क्लिनिक पर रोककर भरोसा दिलाया कि वह पीड़ित का इन्फेक्शन 8 दिन में ही खत्म कर देगा, जिसमें सिर्फ 2,000 रुपए का खर्च आएगा। पीड़ित झोलाछाप डॉक्टर की बातों पर भरोसा कर इलाज करवाने लगा, लेकिन झोलाछाप डॉक्टर इलाज करने की बजाय उससे पैसा ऐंठता रहा और ऑपरेशन कर पीड़ित के हाथ की उंगली और अंगूठे काट डाले, जिसके बाद पीड़ित की हालत और भी खराब हो गई। हमारे हाथ में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था सर, उसके बाद हमारी मेडिकल कॉलेज से दवाई हो रही थी। ये लोकल डॉक्टर ने झूठ बोल करके लोकल चौहान उनको यहाँ पर बहाने से बुला करके, फिर उसके बाद हमारी उंगली बोले कि सरकारी डॉक्टर बुला के कटवाएँ कि पैसा कुछ जमा करो। हम पैसा जमा करें, अपने बूते शटर बंद करके हमारी उंगलियाँ दोनों काट दिए। एक बार काटे नहीं ठीक हुई, दोबारा काटे नहीं ठीक हुई, हमारे दर्द फैलती जा रही थी और सर हम बहुत परेशान हो गए। आप जो आखिरी में हमको जवाब दे रहे हैं कि अपना घर बेचो, हम बाराबंकी जाएंगे, बाराबंकी से हमारी इलाज।
लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि निवेश को सुगम बनाएगा समाज कल्याण विभाग करेगा निवेशकों से संवाद। निवेश के अवसरों संभावनाओं को चिन्हित कर MOU साइन किए जाएंगे। प्रदेश में समावेशी विकास में सहभागी बनेगा निवेशक। सुबह 10 बजे निवेशकों से संवाद कार्यक्रम, मंत्री असीम अरुण कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। निवेश को लेकर बड़ी जानकारी साझा की जा रही है जिसमें कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं देर रात कन्नौज पहुंचे अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन ने नगर का पैदल गश्त किया। ADG आलोक सिंह ने नगर भ्रमण के दौरान व्यापारियों और आमजन से बात भी की। ADG के साथ भ्रमण के दौरान IG कानपुर रेंज प्रशांत कुमार और कन्नौज SP कुंवर अनुपम सिंह भी मौजूद रहे। देर रात कन्नौज के सदर कोतवाली के आकस्मिक निरीक्षण पर पहुंचे ADG आलोक सिंह ने थाना कार्यालय के अभिलेख चेक किए और शस्त्रागार, हवालात, CCTNS कार्यालय और महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण कर साफ सफाई के निर्देश दिए। नियमित फुट मार्च है जो अपने अपने क्षेत्र में स्थानीय परिस्थितियों को देखने के लिए है। मेरे साथ आज IG साहब हैं और आपके जिले के कप्तान साहब हैं और शहर क्षेत्र के बाजारों में हम सभी ने आज पैदल गश्त की, स्थानीय नागरिकों से यहां पर संवाद स्थापित किया, पुलिस से संबंधित उनकी जो प्रतिक्रियाएं थी वो जानी, उनसे जो हमारी अपेक्षाएं हैं उनके बारे में उनसे। यूपी में 1000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। 6000 से ज्यादा लोगों को इस निवेश के बाद रोजगार मिलेगा। मंत्री नंदगोपाल नंदी से मुलाकात कर यह प्रस्ताव रखा जाएगा। हिंदुजा ग्रुप और अशोक लेलैंड के अधिकारी ने मुलाकात की है। भूमि के साथ अन्य सुविधाओं के लिए सहयोग मांगा। औद्योगिक विकास मंत्री ने हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिया है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का जो कि सोनभद्र से है जहां संगठन का धरना प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि प्रधान संगठन के साथ सैकड़ों की संख्या में ग्राम प्रधान विकासखंड नगवा पहुंचे और अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधान संघ के अध्यक्ष के माध्यम से विकासखंड नगवा BDO को ज्ञापन सौंपा। साथ ही प्रधान संघ के अध्यक्ष ने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने तक धरना प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। हम लोग जो है यहाँ धरने के माध्यम से खंड विकास अधिकारी महोदय जी को ज्ञापन सौंपते हैं। कुछ हम लोगों की समस्याएं हैं, जैसे 6 महीना से हम लोग को मटेरियल का जो है MIS हो रखा है, अभी तक जो है भुगतान नहीं हो पाया। इसके चक्कर में सप्लायर हम लोगों को कभी दिक्कत में करता है, कभी मिस्त्री का भी भुगतान नहीं हो पाया। और आज हम ग्राम प्रधान नगवा के सभी प्रधानगण यहाँ पे खंड विकास अधिकारी में माननीय अपने ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। हमारी कुछ मांगे हैं कि जो मनरेगा का जो भुगतान विलम्ब से हो रहा है, मटेरियल का, लेबर का, उस संबंध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, आपको दिया गया है, आप माननीय मुख्यमंत्री जी को तक पहुँचाएंगे हमारी मांग। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वकील पर हुए जानलेवा हमले में कार्रवाई न होने के विरोध में सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन गोरखपुर पदाधिकारी और बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने आज ADG जोन से मिलकर उन्हें प्रार्थना पत्र दिया जिसके माध्यम से उन्होंने इस पूरे मामले की जांच CBI से कराने के वकील पर हमले के आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करने के साथ ही एकोना थाना प्रभारी पर जांच कार्रवाई करने की मांग की है।
गोरखपुर दीवानी कचहरी के अधिवक्ता सूर्य प्रकाश शुक्ला देवरिया जिले के इकोना थाना क्षेत्र के निवासी हैं। बीते 17 तारीख को नाली विवाद को लेकर उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। घटना को लेकर गोरखपुर के अधिवक्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले में सूर्य प्रकाश शुक्ला बुरी तरीके से घायल हो गए हैं, लेकिन इकोना थाना प्रभारी की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये हमारे यहाँ के एक युवा अधिवक्ता हैं सूर्य प्रकाश शुक्ला जी, उनके ऊपर 17 तारीख को जानलेवा हमला हुआ और उनको मरणासन अवस्था में छोड़ के हमलावर भागे। पुलिस द्वारा उल्टे हमलावरों के संपर्क में आकर के वकील साहब को ही 307 में चालान कर दिए। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।